आप नाज़रीन, आप देख रहे हैं समय खबर उर्दू और मैं हूँ आपका मेज़बान फिरोज़ खान। तो नाज़रीन, आज एक बहुत खुशखबरी है अगर मैं बात करूँ करगिल के लोगों के लिए, क्योंकि करगिल में अपनी नुबियत का जो पहला जो सुपरमार्केट है वो यहाँ पे खोला जा चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो करगिल है उनकी तरफ से यहाँ पे एक सुपरमार्केट खोला जा चुका है मेन मार्केट में, और मैं आपको बताता चलूँ जिसमें कुछ ख़ास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक यहाँ पे एटीएम, यहाँ पे जो है मेन इंट्रेंस पे यहाँ पे एटीएम है, और उसके साथ साथ मेन इंट्रेंस से अंदर का जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह का डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलने के बाद जो सामान है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है। और तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जो करगिल की एक दीर्घा माल मांग थी, जो आज तक मैं सोचता हूँ कि करगिल में ऐसा सुपर बाज़ार नहीं है, तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का शुक्र अदा करता हूँ हमारे डीआरसी साहब की अनथक कोशिशों की वजह से। जो आज ये खुल रहा है वो पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे डीसी साहब का शुक्रगुजार हैं, सीसी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें जो फंड चाहिए हमारे डीआरसी साहब की मेहनत की वजह से, उनका सपोर्ट की वजह से, कंस्ट्रक्शन के लिए इस बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपये दिए हैं, और सामान लाने के लिए सर हमने इनिशियली कम से कम हमने 35 लाख का लाया है। तो इंशाल्लाह सीसी साहब ने हमें इश्योर किया कि अगले साहब आपके लिए हमें फिर से 1 करोड़ पैसे जो है सुपर बाज़ार खरीद देंगे। सुपर बाज़ार जो है आम पब्लिक के लिए कम से कम दामों में सामान मिलेगा, और कम से कम जो भी इसमें है कम से कम 5%, 7%, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक मैं बात से एक वादा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे मत जाइए। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आम बाज़ार में लोग कहते हैं कि भाई राजना बाज़ार में भी 110 या 120 में है, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले भी 110 या 120 में देते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो है नाम पर मत जाइए, आप जो है क्वालिटी पर जाइए। हमारा मेन मकसद फोकस है क्वालिटी पर। जैसे जो भी चीज़ का जो है बाज़ार में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो हमारे पास होगी। आप राजमा दाल लीजिए, बाज़ार में वो क्वालिटी की दाल नहीं मिलेगी आप जो है यहाँ एक क्लास की दाल में, जो आपको मार्केट में सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अवेलेबल हो ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ही हम परचेस करते हैं 110 रुपीज़, 120 रुपीज़, फिर हमें यहाँ बाज़ार में ला कर जो है वो दूसरा दुकानदार नहीं दे सकता, सिर्फ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही दे सकता, मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये एक अच्छा स्टेप है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, और मार्केट में इसका लोकेशन ठीक है, और मैंने जितने भी हमारे जो स्टाफ उनको यही कहा है कि लोगों को अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराएं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों और सस्ते दाम के ऊपर, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट प्रॉफिट के लिए इतना काम नहीं करता, वो लोगों की सर्विस के लिए काम करता है। तो उसके लिए एक ये पहला स्टेप है। इसके अलावा हम द्रास में भी ऐसा ही प्लान कर रहे हैं, सांको में भी, और जो बाकी रिटेल शॉप भी हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो सुपर मार्केट है इसका जो इनॉग्रेशन है वो यहाँ पर किया था सीसी करगिल, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी हैं रविंदर कुमार कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने यहां पे इसको यहां पे इनॉग्रेट किया था। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मूसा के साथ मैं फिरोज़ खान, खबर उर्दू के लिए करगिल लद्दाख से।